नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट को कैसे ऐड करें गूगल मर्चेंट सेंटर में। गूगल मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट ऐड करने के बेसिकली चार तरीके हैं, पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट ऐड करना, वो भी वन बाय वन। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल मर्चेंट सेंटर के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है कुछ इस तरह से। लॉगिन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको प्रोडक्ट टैब में क्लिक करना है। एंड क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे बेसिकली अभी कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है मैंने, तो आप स्क्रॉल डाउन करते ही आपको दो ऑप्शन दिखेगा, ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन एंड ट्राई अनदर मेथड। तो हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐड प्रोडक्ट वन बाय वन। तो गाइस, इस पेज पे आपको अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स इंटर करनी है। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के यूआरएल को एंटर करना है। यहाँ पे हम एज एग्जाम्पल यूआरएल डाल देंगे। आपको अपना वेबसाइट का यूआरएल एंड प्रोडक्ट की यूआरएल बेसिकली यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल देना है। बेसिकली यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का नाम देना है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट के ब्रांड का नेम इंटर करना है। तो यहाँ पे है, हम अपने प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं वॉल वॉच। आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम एंड प्रोडक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं अजंता वॉल क्लॉक। उसके बाद हम अपने ब्रांड का सॉरी प्रोडक्ट का ब्रांड डाल देते हैं अजंता। दोस्तों, नेक्स्ट आपको अपने प्रोडक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पे। इसमें आप अपना प्रोडक्ट का फीचर लिख सकते हैं एंड अदर यूएसपी लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। दो सबसे खास बात, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के किसी की हेल्प लेनी है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम चैट जीपीटी का डिटेल आपको ट्यूटोरियल बताएंगे किस तरह से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे अपना ही डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। अ फाइन एडिशनल टू अ हाउसहोल्ड, दिस इज अ वेल डिजाइंड क्लॉक। दिस क्लॉक बोस्ट ऑफ अ डायल विच इज रियली इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो इस तरह का आप डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रोडक्ट इमेज। यहाँ आप प्रोडक्ट के चार इमेज अपलोड कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से।
राइट हैंड में कुछ गाइडलाइन लिखी है जो आपको फॉलो करनी है अपलोड करते वक्त, जैसे कि इमेज साइज कम से कम 100x100 पिक्सल होनी चाहिए एंड साइज जो है इमेज की वो 16 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है, ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। हमने पहले से ही 4 इमेज रेडी रखी है अपलोड करने के लिए। इस तरह से आप सारी इमेज अपलोड कर सकते हैं 1x1। तो आपको ब्राउज पे क्लिक करके जो भी आपके डेस्कटॉप पे इमेजेस सेव है उसको अपलोड करना है। तो गाइस सारी इमेज अपलोड हो चुकी है। अब हम मेन इमेज सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट की। अभी मेन इमेज ये वाली है, हम 4th इमेज को मेन इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जो हमारा मेन इमेज है ये वाला है, तो इस वाली इमेज को हम मेन इमेज पे सेलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल डाउन कर लेंगे एंड इस इमेज को पिन एज द मेन इमेज हम कर लेंगे एंड सेव पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको प्रोडक्ट टाइप इंटर करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे गार्डन फर्नीचर दिया है, तो आपको आपके इस केस पे वॉल क्लॉक हम डाल देंगे। जो प्रोडक्ट टाइप है वॉल क्लॉक है। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद कंडीशन, आपका जो ये प्रोडक्ट है वो कैसा है, न्यू है, यूज्ड है, रिफर्बिश्ड है, आप उसके हिसाब से डाल देंगे। हमने यहाँ पे न्यू ऑलरेडी इंटर किया हुआ है पहले से। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके इसका प्राइस एंटर कर देंगे। यहाँ पे इसका प्राइस हम 489 डाल देंगे एंड इन स्टॉक। आप अपने प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सेल प्राइस हम डाल देंगे यहाँ पे। यहां से आप अपने इस प्रोडक्ट को आप कब तक इस रेट में बेचना चाहते हैं या ऑनलाइन विजिबल रखना चाहते हैं आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने आज से 26 तक का डेट सेलेक्ट करके यहां पे अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके आपके प्रोडक्ट का आईडी या एसक्यू आईडी यहां पे लिख सकते हैं। जो भी आपके प्रोडक्ट का एसक्यू नंबर है वो यहां पे आप एंटर कर सकते हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट का नंबर यहां पे लिख देते हैं।
तो इस तरह से अजंता वॉल 012 हमने इसका कोड दिया यहाँ पे। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का जो भी GTN नंबर है, EA नंबर है या ISBN नंबर है यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, आई डोंट हैव GTN UPC EA नंबर। उसके बाद आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, आप किस लैंग्वेज में अपने प्रोडक्ट को डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बेसिकली। तो हमने अपने प्रोडक्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में डाला है इसलिए हमने इसको इंग्लिश सेलेक्ट किया है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपने प्रोडक्ट को किस कंट्री में दिखाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। ऑलरेडी हमने इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट किया है, अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में भी दिखाना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लेबल का ऑप्शन है, आप अपने यहाँ पे प्रोडक्ट का कस्टम लेबल्स डाल सकते हैं, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 लेबलिंग दी हुई है, 0 से लेकर 4 लेबलिंग, तो आप अपने प्रोडक्ट का लेबल यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी डालना चाहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के लेबल को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ऐड वैल्यू पे क्लिक करना है, तो यहां पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे लेबल को। इसको हमने सेलेक्ट किया है, तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना कस्टम लेबल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट का जो भी कलर है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वॉल का वो ब्राउन है, तो हमने यहाँ पे ब्राउन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अपने प्रोडक्ट का आप साइज टाइप एंड किस तरह का साइज सिस्टम है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो साइज में हम एंटर कर देते हैं 13x13। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से साइज टाइप साइज सिस्टम डाल सकते हैं, बाकी आप इसका जो साइज है वो किस तरह का है वो डाल सकते हैं, UK US यूरोपियन। तो हमने यहाँ पे US डाल दिया है। उसके बाद ये जो जेंडर का कोई सवाल नहीं आता इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, बट क्लोथिंग के उसमें आप उसमें डाल सकते हैं क्लोथिंग किसका है, मेल का है फीमेल का है यूनिसेक्स का है। उसके बाद मटेरियल में हम इस जो प्रोडक्ट का मटेरियल है वो डाल देंगे प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक एंड मेटल, तो हम इसको यहाँ पर इंटर कर देंगे प्लास्टिक एंड मेटल बॉडी है वॉल का।
उसके बाद और भी ऑप्शन है लाइक पैटर्न, एज ग्रुप, किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का एज ग्रुप के लिए है, तो यहाँ पे भी ये वैलिड नहीं होता, इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, यहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट डिटेल है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। अगर ये प्रोडक्ट एडल्ट प्रोडक्ट है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, बट हमारे प्रोडक्ट में ये वैलिड नहीं होता, इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे हम डाल देते हैं ये होम एंड ऑफिसेस के लिए हमारा प्रोडक्ट वैलिड है, ये सब हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम शिपिंग टैक्स एंड रिटर्न्स पे आएंगे। अगर आपका कुछ शिपिंग वेट है या शिपिंग का कुछ लेंथ विड्थ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उसको, एंड सब के बाद आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली जो भी आपका अगर शिपिंग का कोई चार्ज है या कुछ प्रोडक्ट का कुछ शिपिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर हाइट लेंथ विड्थ है वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट को अपलोड कर दिया है सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं इस तरह से आपका इंटरफेस दिखेगा आफ्टर प्रोडक्ट अपलोड हो जाता है GMC में, यानी कि गूगल मर्चेंट सेंटर में। तो गाइस कुछ भी क्वेरीज है, कुछ कंसर्न्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज होगी हम कमेंट में सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट के जो भी आपने डिटेल्स इंटर की थी, एडिशनल डिटेल्स सब यहाँ पे शोकेस हो जाती है आफ्टर प्रोडक्ट अपलोडेशन। तो जितने भी आपने एट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट के आपने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशंस डाले थे सब यहाँ पे विजिबल हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कुछ आपने मिस्टेक कर दिया तो आप बाद में एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट की हमने URL पे क्लिक किया है तो इस तरह से दिखता है। एंड दोस्तों सबसे मेन ज़रूरी बात, आपको URL एक्टिव URL ही डालना है अपने GMC में। अगर आप इनएक्टिव डालेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट अप्रूवल है अपलोड का वो नहीं होगा गूगल की तरफ से। तो आपको मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वो दूंगा, टिप दूंगा कि आप URL एक्टिव वेबसाइट का URL ही डालें यहाँ पर। तो गाइस इस तरह से वन बाय वन आप अपने प्रोडक्ट को गूगल मर्चेंट सेंटर में डाल सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब पे क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, नमस्कार दोस्तों।